ऐसा नहीं है। ये रेड टमाटर लगे हुए ग्रीन ग्रीन से, ग्रीन ग्रीन टमाटर, ये आलू रखे हुए हैं। आलू गाइस तो हम इधर रुके हैं फसलें वगैरह देखने के लिए, तो आपको भी दिखाती हूँ इधर माउंटेन्स पे कैसी जो है ये फील्ड वगैरह होती हैं, सारी फसलें उगती हैं वो दिखाती हूँ आपको। अरे इधर जाओ, ये फसलें और वो उधर सोहेब बकरी के साथ खेला जा रहा है, बकरी भाग गई, बकरी भागी जा रही यार मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा के क्या किया यार, वो ये बकरी बड़े मजे किया है। तभी हम इधर रुके थे क्योंकि आप शायद बैरियर्स या आप शायद देखेंगे ऊपर चढ़े, ये रहे मामू का दूध, अब स्लीप आई की जजमेंट अभी हमें यहाँ जाके जो ना हो जाए कि अपना यहाँ पे बोनस मिल जाए, तो खुद ही जो ना कहेगा स्लीप आ जाने कैसे होते हैं, क्योंकि स्लीप आई में कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई, यू आर नाउ हायर एन एक्सक्लूसिव चीज, ठीक है। ये वाली गाड़ी भी शोभरान तक उसी सूरत में जाएगी अगर मौसम ड्राई हो, ठीक है, मना नहीं आएगी। हाँ तो ये कल तो मुझे एक पॉइंट पर ये ख्याल आया था कि हम पहले शोभरान से ट्रिप कर लेते हैं, लेकिन जो मैं गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ, और इसके अलावा जो है अभी रास्ते में बातें हुई हैं कि अभी मौसम, अभी महीना सितंबर का है, तो अभी जो फसलें वगैरह उग रही हैं वो मटर है और आलू है, तो मटर और आलू इधर सस्ते भी मिल रहे थे, लाइक कराची में 150 का अगर पड़ा तो 70 तक का जो है आलू वगैरह पड़ा था, तो वापसी में हम लोग ने सोचा कि जाते हुए बोरियाँ ले लेंगे और फिर वो घर लेके जाएंगे, क्योंकि इधर के जो है फलों का सब्जी वगैरह का ना टेस्ट अलग होता है, तो वो ले लेंगे रास्ते में। अभी ये आबशार की तरफ रुके हुए सही उनका फोटो सेशन वगैरह हो रहा है, इसके अलावा इन्होंने ये बताया था कि वो मैंने रेवर वगैरह से पहले वीडियो में दिखाया, तो जो रेवर वगैरह जा रहे होते हैं उनके साथ जो गधे वगैरह भी जा रहे थे तो उस पर सामान बंधा हुआ था, वो एक्चुअली इसलिए था वो माइग्रेट कर रहे इधर से जो है मानसेरा जा रहे थे वो लोग, क्योंकि इधर अक्टूबर में अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सब ना निकले हैं अपने रेवर वगैरह लेके सब जा रहे थे, और 20 दिन के अंदर अंदर जो है ये पहुँच जाते हैं, ये रास्ते में स्टे करते हैं, तो गधे के ऊपर सारा सामान वगैरह इन्होंने बांधा होता है, ये टेंट वगैरह इसमें शामिल होता है, तो टेंट वगैरह ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, और ये फिर जहाँ पर रुकना होता है रात वगैरह को तो ये रुक जाते हैं, और चलते चलते फिर ये अपना सारा सफ़र तय करते हुए मानसेरा पहुँच जाते हैं, जब इधर तो ये सारा खाली हो जाएगा अक्टूबर में।